नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉप टेक इन्फॉर्मेशन में। और आज इस वीडियो में मैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर डीएनए प्रोफाइलिंग के बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि इस टेक्निक की मदद से जो फॉरेंसिक साइंस की जो स्टडी थी वो कैसे नेक्स्ट लेवल पे चली गई और इस टेक्निक की मदद से पुलिस को कैसे मदद हुई सही क्रिमिनल्स और मर्डरर्स को और आसानी से पकड़ने में। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हिस्ट्री की, तो सितंबर 1984 में डॉक्टर एलेक जेफरीज ने इस टेक्निक को डिस्कवर किया। फिर अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में इसके फर्स्ट यूजेज की, तो 1983 और 1986 में दो रेप और मर्डर के केस में हमने इस टेक्निक को सबसे पहली बार यूज किया, जिसमें हम लोगों ने सीमेन स्टेन के जो सैंपल्स हैं उसकी मदद से इस टेक्निक को किया और इसमें हम लोगों ने सक्सेस भी हासिल की। जो ट्रू मर्डरर्स थे उनको हम लोगों ने अरेस्ट किया और पुलिस ने जिन इनोसेंट लोगों को गिरफ्तार किया था उनको छोड़ दिया गया। अब दोस्तों, इस टेक्निक के मैं आपको यूज बताऊंगा। तो सबसे पहला यूज है किसी भी डेड बॉडी को पहचानना। अगर किसी भी क्राइम सीन में कोई डेड बॉडी है और अगर उसकी चेहरा बिगाड़ दिया गया हो तो यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे किया क्या जाता है, अगर किसी भी रिलेटिव को शक है कि ये उनकी फैमिली मेंबर की डेड बॉडी हो सकती है तो उनके साथ हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, जिससे ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये उन्हीं की डेड बॉडी है या नहीं। दूसरा यूज ये है कि अगर किसी हॉस्पिटल में दो बच्चों के बीच में आइडेंटिफिकेशन की कोई मिस्टेक हो गई हो और ये कंफ्यूजन हो जाए कि ये किस पेरेंट को बिलोंग करता है, तो हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं और हमें सही आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है कि ये बच्चा इन्हीं को बिलोंग करता है। तीसरा है किसी भी मर्डरर को पकड़ना। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा हम लोग इस टेक्निक को इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी बॉडी है वो तो सेल से बनी है और हमारे सेल्स में ही डीएनए होते हैं। अब दोस्तों, ऑन एन एवरेज पूरे वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमंस हैं उनमें 99.9% जो डीएनए है वो सेम होता है और जो 0.1% है वही हम सभी को यूनिक बनाता है और वही वेरिएशन पैदा करता है। अब दोस्तों, को 0.1% बड़ा ही छोटा नंबर लग रहा होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो 0.1% 3 मिलियन बेस पेयर के बराबर है और यही 3 मिलियन बेस पेयर दो ह्यूमंस के बीच में डिफरेंस पैदा करते हैं और हमें सही क्रिमिनल तक पहुंचाने में मदद करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे करते क्या है, कुछ मिनी सैटेलाइट डीएनए होते हैं। मिनी सैटेलाइट डीएनए हम उनको बोलते हैं जो शॉर्ट सीक्वेंस में रिपीट होते हैं, मतलब उनकी जो सीक्वेंसिंग है वो रिपीट होती है और इनकी जो लेंथ है वो है 10 to 60 बेस पेयर्स लॉन्ग और ये सबसे ज्यादा वेरिएशन दिखाते हैं बिटवीन टू ह्यूमंस। अब इसकी हम लोग लैब में टेस्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। वेरियस एंजाइम्स होते हैं, हम लोग डीएनए में कट करते हैं, फिर उनको माइक्रोस्कोप में एनालिसिस किया जाता है और हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं और इस टेक्निक की मदद से हम लोग सही क्रिमिनल के पास पहुंच जाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और अगर आपके मन में आज के वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। थैंक यू।